हेलो सोशल मीडिया वासी, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और ये इस हफ्ते में अपना दूसरा बड़ा व्लॉग है, और मैंने होली के व्लॉग के लिए पहले ही शूट कर लिया था। ये होली से एक दिन पहले की क्लिप है, जहाँ पर हमारे इधर जो घेर बनती है उसके सामान को पूजा जा रहा है। और ये तुकाराम भैया के यहाँ का वीडियो है, ललवाने, जो कि हमारे गाँव के पास में ही है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि हमारे इधर अभी सामान को पूजा जा रहा है, तो तू आके शूट कर ले। और फिर मैं इनके यहाँ आ जाता हूँ और अपना वीडियो शूट करता हूँ, अपने व्लॉग शूट करता हूँ। फिर सामान को पूजने के बाद, ये है अपना विजय भाई जो अपने कॉस्ट्यूम को पहन रहा है और इससे पगड़ी बांध रहे हैं ये बाबा होन। और इसकी पगड़ी को इसलिए इतने सारे लोग मिल के बांध रहे हैं क्योंकि ये पूरे 5 दिन तक छूटना नहीं चाहिए। और फिर मैं आ जाता हूँ अपने गांव में, जहाँ पर सामान पूछ के बांटने की तैयारी हो रही थी, जिसका सामान है उन सबको। तो ये है अपने गांव की गेर, और आप लोगों को मैं सबसे मिलाऊंगा और सबको बताऊंगा। और यहाँ पर ये बाबा समझा रहे हैं इन लोगों को कि किस तरीके से करना है। और ये जो मामा है मेरे, ये ढोल बजा रहे हैं और ये अंकल थाली बजा रहे हो, और इन लोगों की अभी प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि अगले दिन होली है। और ये लोग आज अपने सामान को पुजवा के ढोल वोल तैयार करके एक बार रेडी हो जाएंगे। तो ये है अपने विनोद भाई जो कि रेडी हो रहे हैं, और ये विशाल भाई जो कि गोरिल्ला बने हुए हैं, पर ये अपना कॉस्ट्यूम अभी तक डाले नहीं है। और ये अपने गाँव के छोटे बच्चे जिनकी गेर अलग ही लेवल की थी, ये सब बिंद्रे बने हुए थे, और इनका डांस भी बहुत गजब का था। और ये देखो छोटा वाला बिंद्रिया कितना खतरनाक नाच रहा है यार, बहुत गजब है। और ये अपनी बड़ी गेर, जहाँ पर ये अपने किशोर भाई है, बीच में विक्की भाई है, और फिर मेरे काका है सीताराम, और फिर रितेश भाई है जो कि खतरनाक लड़की भाभी, और दो डोकरे बहुत भयंकर लग रहे हैं ये लोग। तो इनका कॉस्ट्यूम तो बहुत ही अलग लेवल का है, और इनका डांस भी देखो बिल्कुल डोकरों जैसा है, क्या खतरनाक डांस किया इन लोगों ने। और फिर आज प्रैक्टिस चल रही है इन लोगों की क्योंकि कल होली है, और कल से इन लोगों को ना तो 5 दिन तक सोना है ना कुछ नहीं, बस जहाँ जहाँ होली होती है बड़ी बड़ी, वहाँ पर जाकर इन लोगों को पूरी रात जगना है, पूरी रात वहाँ पर नाचना है। तो ये बहुत मुश्किल काम है, इसको करना हर किसी के बस की बात नहीं है यार, ये तो यही लोग कर सकते हैं, और जो गांव के होते हैं वही लोग कर सकते हैं, अपने लेवल की तो बात ही नहीं है ये। क्योंकि ये लोग मुझे भी बोल रहे थे कि तू भी हमारे साथ आ जा, पर मेरे से तो 1-1.5 घंटा नहीं नचाता है, इनके साथ में पूरी रात भर कैसे नाचूंगा, ये सोच के मैंने इन लोगों को मना कर दिया। और ये अपने महाकाल बाबा कालू भाई, और इसको तो मैं भी पहचान नहीं पा रहा हूँ यार कॉस्ट्यूम में कि ये है कौन। और फिर ये अपने होली का डांडा लेकर आ जाते हैं नेक्स्ट डे, और ये डांडा अभी होली में खड़ा करेंगे, और इसकी भी एक अलग कहानी है जो आप लोगों को मैं कभी फुर्सत में बताऊंगा। और ये डांडा अभी होली के यहाँ खड़ा कर दिया गया है, इसको अच्छे से सजा कर, जो कि आप लोगों ने मेरे मिनी व्लॉग में देखा ही होगा कि किस तरीके से सजाया जाता है। और ये पूरे गांव वालों ने जो लकड़ियाँ ला के रखी है, इसमें भी पूरे गांव की लकड़ियाँ है, और हर घर से एक एक लकड़ियाँ आई है। तो हम लोग सारी होली की लकड़ियाँ जमा देते हैं, और उसके बाद में फिर वापस हम लोग प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और फिर डांस करने लग जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को रात निकालने, क्योंकि होली जलेगी नाइट में 4:30-5 बजे, तब तक हम लोगों को जगे रहना है और नाचना गाना है। तो हमारे गांव का ढोल है जो बजा रहे हैं, और हम सब उनके साथ नाच रहे हैं, और मेरी तो पूरे शूट में पूरी रात नाइट में मेरी बहुत भयंकर हालत ख़राब हुई थी, और मेरा जो शूट में साथ दिया था जिन्होंने लाइट पकड़ी थी वो है अपने संतोष भाई, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी पूरी नाइट, वो मेरे साथ जगे रहे और पूरी नाइट में मतलब मेरे शूट में साथ दिया था। और ये लोग तो बहुत ही मतलब इन लोगों को ऐसा देख के लग नहीं रहा है कि ये लोग मतलब थके हुए हैं या कुछ कर रहे हैं, ये जहाँ ढोल बज रहा है वहाँ नाचना चालू हो रहे हैं। और ये है अपने गांव का जोश, और हर गांव में आप लोगों को यही मिलेगा क्योंकि होली का सीज़न चल रहा है, सभी लोग यही कर रहे हैं। और ये है अपने अमित भाई जो कि शांता भाई बने हुए हैं, और बहुत भयंकर ठुमके लगा रहे हैं, ये भी खतरनाक वाले, और इनके साथ में
बहुत ही ज़्यादा। और ये शायद एक सिस्टर भी थी और ये अपने गांव के पास वाले गांव की गेर आई हुई थी जो कि होली घूम रही थी। और ये शायद अपने रवि भाई है जो कि मुझे देख के हंस रहे थे। और ये इनकी काली है, ये इनका भी एक अलग सिस्टम। ये जो काली है ये 5 दिन तक पूरे गेर को संभाल के रखती है, मतलब इनको संभालने का काम ये काली का होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें जो कि गेर के आसपास भटकती रहती है, तो उसको काली भाई संभालते हैं। और फिर लगभग 4:30 बजे अपने गांव की होली जला दी जाती है। और होली जलाने के बाद में मुझे तो बहुत भयंकर नींद आ रही थी, पर क्या करें, शूट करना था और ये बिन रेबन भी थक गए थे तो ये लोग भी आराम कर रहे थे। और फिर ये जो होली का डांडा है इसको जलने नहीं दिया जाता, इसको निकाल लिया जाता है। और इसकी भी कहानी है जो कि आप लोगों को मैं फुर्सत में कभी बताऊंगा। और इसको निकाल के अभी फ़िलहाल इसके मतलब एक एक टुकड़ा बांटा जाएगा और ये शायद 5-6 दिनों बाद काम आता है। और ये होली जलने के बाद का डांस है जो कि जितने भी गेर के मेंबर है या जितने भी गांव के लोग हैं वो सब मिलकर करते हैं। और यहाँ शायद बीच में कुछ रोक दिया गया था ढोल वगैरह को, इसलिए फिर वो लोग मतलब रुक गए थे। और ये फिर अपने अपने वापस काम पे लग रहे हैं। इनको देख के सच में ऐसा लग रहा है कि ये 4:30 बजे या 5 बजे निकली थे। और ये जो है गोरिल्ला बने हुए, ये अपने कृष्णु दादा है जो कि बहुत भयंकर डांस दे रहे हैं। और इनके सिंग लाइट वाले हैं। और वो जो है शेर जैसे भेड़ बने हुए, वो अपने विशाल भाई है। और बहुत खतरनाक मज़ा है यार मुझे, मैंने मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा होली फेस्टिवल फेस करा, क्योंकि पहले था मैं यहाँ पर और पहले देखा था, पर मैं बहुत छोटा था क्योंकि 10-12 साल पहले हमारे गांव में ऐसा होली उत्सव मनाया गया था। और उस समय पे तो मुझे अच्छे से याद भी नहीं है कि भाई क्या क्या मना, मतलब क्या क्या होता है। पर इस बार तो मैंने बहुत अच्छे से इन्जॉय करा और बहुत अच्छे से मेरा शूट भी हुआ। और बहुत खतरनाक मज़ा है मुझे ये सब शूट करने में। और ये अपने दरबार मामा जो कि नाच रहे हैं, एक बच्चे को ज़बरदस्ती नचा रहे हैं, ये उसका मन नहीं है पर ये नचा रहे हैं, शायद इनको मज़ा आ रहा था उनके साथ नाचने में इसीलिए। और आप लोग देखो कि ये दादा है हमारे, मतलब दादा उन भी रात को 4-5 बजे नाच रहे हैं, इनकी उम्र में कौन ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये गांव वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई होली अपने होली की जो रीत होती है, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बोला था कि डांडे को काटा जाता है और इसके साथ 5 पीस किए जाते हैं और इसको रखते हैं वो लोग। और ये अपने काले का हिस्सा है। और अभी बहुत होली जल गई है, अभी थोड़ी बहुत पूजा पाठ होगी, उसके बाद होली घूमेंगे और इसके बाद हमारे पूरे गांव का फास्ट छूटेगा, मतलब बच्चों का नहीं जो बड़े लोग हैं उनका। तो अभी मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई जल्दी फटाफट पूजा पाठ हो, जो भी करना हो करे और फास्ट छूटे। और ये अपने विनोद भाई है जो कि पता नहीं क्या बने हुए हैं यार, मेरे को तो इनका नाम भी नहीं मतलब याद आ रहा है कि इनको क्या बोलूँ मैं। और ये जो सिर पे पगड़ी बांधे हुए और जो बैटरी लिए हुए वो मेरे पापा है। और बीच में हमारे पुजारी बाबा है और इधर है अपने पटेल बाबा। और ये लोग अभी पूज रहे हैं और मैं इनके साथ में बैठ के वेट कर रहा हूँ कि जल्दी पूजो यार, मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मुझे घर पे जाके सोना है। और ये जब तक पूजेंगे नहीं तब तक गांव का फास्ट छूटेगा नहीं, तो ये लोग फटाफट लग जाते हैं पूजने के लिए, इनकी जो रीत होती है वो करते हैं। अभी इनकी पूजा ख़त्म होने वाली है और फिर अपना पूरा गांव फास्ट ख़त्म करता है। और जो भी घर पे बना हुआ खाना था वो यहाँ लाकर चढ़ाया जाता है। और फिर 2-3 दिन बाद बड़ी गेर हमारे घर पर आती है और ये लोग अभी होली मांग रहे हैं। शायद आप लोगों ने मेरे मिनी व्लॉग में देखा ही होगा और किस तरीके से मांगते हैं और क्यों मांगते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था। और ये देखो क्या भयंकर नाच रहे हैं और क्या खतरनाक है यार, ये इनको देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि ये 3-4 दिन से नाच ही रहे हैं। देखो आज भी वैसा ही जोश है जैसा होली के एक दिन पहले था, होली के दिन था। और ये शायद इनको होली के 5वें दिन था ये जोश, पता नहीं कहाँ से इन लोगों को इतनी ताकत मिलती है। मेरे तो इनकी जगह तो शायद मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और ये अपने कृष्ण दादा छोटे बच्चे का बेट लिए आए हैं छीन के, ऐसा लग रहा है मुझे डरा कर, और नाच रहे हैं यहाँ पर। और
यार ढोल बजाने वालों को भी थकान नहीं होती, और ये पता नहीं बहुत अलग लेवल की एनर्जी है। मुझे तो इसी बात का पता करना है कि भाई तुम लोगों के पास इतनी एनर्जी आते। ये अपने सूरज मामू है और जितेन भाई है, और ये जो जोकर बने हुए हैं ये अपने प्रदीप भैया है जो कि खतरनाक डांस दे रहे हैं और बहुत है खतरनाक लेवल के। और ये अपने डोकरे बाबा, शायद इन्होंने कुर्ता बदल लिया है, और ये उनकी शांता भाई जिनके साथ में शांता भाई बहुत भयंकर ठुमकेला जा रही है। तो ये था अपना होली व्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगले साल होली में आप कैसा व्लॉग देखना चाहते हो ये ज़रूर बताना। बाय।